Hi everybody, welcome to Daily Dose of Knowledge with Edu-Drives. आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करता है इन SSC एंड बैंक एग्जाम्स, जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस। हमारे वीडियो में आज हम जो अगस्त मंथ है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़ हेडलाइंस रहे हैं उनको कवर करेंगे। ये अगस्त करंट अफेयर्स का पार्ट टू है, जिसका पार्ट वन हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो उसको देखने के लिए और ऐसे और जितने भी वीडियोस हम रोज अपलोड करते हैं रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं उन वीडियोस को हमारे बाकी चैनल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर। तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी ऐसा वीडियो मिस आउट ना करें। हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है फॉर SSC एंड बैंक एग्जाम्स, उसको आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं Amazon पर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पेन ड्राइव कोर्स में डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं कवरिंग द एंटायर सिलेबस फॉर SSC एंड बैंक एग्जाम्स। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं अनसॉल्वड एंड सॉल्वड बोथ, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर होंगे, और मॉक टेस्ट पेपर्स हैं फॉर बेसिक रिविजन एंड टू गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअल एग्जाम जो होता है SSC एंड बैंक का वो कैसे होता है। सो उसको आप खरीद सकते हैं डायरेक्टली Amazon पर। और उसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो हमारी जो वेबसाइट है www.edudrives.com, उस पर जाकर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट रिमेनिंग हेडलाइंस हैं ऑफ अगस्त, हमारी पहली जो हेडलाइन है वो है ये कि गौरव बिधूरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2017 में इंडिया का पहला मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल के रूप में। गौरव बिधूरी एक वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट थे और इस मेडल के साथ जो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, उसके साथ वो ऐसे फोर्थ इंडियन बॉक्सर बने हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में इंडिया के लिए एक मेडल जीता है। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में गौरव बिधूरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हमारी नेक्स्ट खबर है जो 8th वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कांग्रेस थी वो इस साल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। ये जो कांग्रेस है ये अगस्त 21, 2017 को स्टार्ट हुई थी और अगस्त 23, 2017 को ख़त्म हुई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कांग्रेस होती है ये इसलिए ऑर्गेनाइज होती है ताकि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाईज हैं उनको क्लीन एंड अफोर्डेबल बनाया जा सके। ये जो कांग्रेस होती है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिसमें जितने भी मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लाया जाए और उनके आइडियाज़ और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होकर, वो शेयर होकर एक क्लीन एंड अफोर्डेबल रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई इंश्योर की जाए। सो इंडिया का जो गोल है टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड पावर बाय 2022, उसको अचीव करने के लिए ये कांग्रेस होस्ट होती है जिसमें आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है और डिसीजंस किए जाते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाईज हैं उनको क्लीन एंड अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए। सो ये जो 8th वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कांग्रेस थी ये न्यू दिल्ली में अगस्त 2017 में ऑर्गेनाइज हुई फ्रॉम अगस्त 21 टू अगस्त 23। हमारी नेक्स्ट खबर है कि जो साउथ अफ्रीकन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 15 चैंपियनशिप थी वो नेपाल में काठमांडू में ऑर्गेनाइज हुई थी इन 2017। उसमें इंडिया ने जो होस्ट्स हैं नेपाल उनको फाइनल्स में हराकर जो SAFF का चैंपियनशिप टाइटल है वो जीता है इस साल। सो जो इस साल की चैंपियनशिप थी SAFF अंडर 15 चैंपियनशिप 2017, उसमें जो इमर्जिंग विनर्स हैं वो हैं इंडिया, जिन्होंने जो होस्ट था नेपाल उनको फाइनल्स में हराया। हमारी नेक्स्ट खबर एक सर्वे के रूप में है। जो यूरोपियन यूनियन है जो उसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एक इरास्मस स्कॉलरशिप देती है फॉर हायर एजुकेशन। जो इरास्मस स्कॉलरशिप है वो 1987 में लॉन्च हुई थी, जिसके पहले साल में सिर्फ 3,200 स्टूडेंट्स थे। और जो सर्वे कंडक्ट हुआ फ्रॉम 2004 टू 2017, उसमें ये हमें मालूम हुआ है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स प्राप्त हुई हैं, जिसमें 5,300 रेसिपिएंट्स इंडिया की तरफ से रहे हैं। सो इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द इरास्मस स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, जो यूरोपियन यूनियन जो है वो ऑफर करती है फॉर हायर एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट जो हमारी खबर है वो एक फैक्ट है।
आपको पता है कि 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। सो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंस के दो दिन बाद, दैट इज 15 अगस्त के दो दिन बाद 17 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो डिक्लेयर हुआ था। इस बॉर्डर लाइन जो है उसको रैडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश लॉयर हैं सर साइरल रैडक्लिफ, उन्होंने ये जो बॉर्डर है ये डिक्लेयर किया था जो 3,323 किलोमीटर्स लॉन्ग है। सो 17 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन सर साइरल रैडक्लिफ ने डिक्लेयर की थी रैडक्लिफ लाइन के नाम से। हमारी नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है ये कि हम सब जानते हैं कि अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों अगस्त 29 ही क्यों चुना गया नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने के लिए। अगस्त 29 को एक बहुत ही माननीय हॉकी प्लेयर, जो सबसे बड़े हॉकी प्लेयर माने जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन हॉकी, ध्यानचंद जी, उनका बर्थडे मनाया जाता है। तो अगस्त 29 को ध्यानचंद जी के बर्थडे के रूप में नेशनल स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर किया गया है। ध्यानचंद जी इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हॉकी। उनका एक बहुत ही मेजर रोल रहा है जितनी भी इंडिया की जो तीन कंसेक्यूटिव ओलंपिक विक्ट्रीज रही थी 1928, 1932 एंड 1936, जो इंडिया की तीन कंसेक्यूटिव हॉकी ओलंपिक विक्ट्रीज रही थी उसमें ध्यानचंद जी ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। और उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए, उनको एक ट्रिब्यूट पे करने के लिए अगस्त 29 जो उनका बर्थडे होता है उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और उसी दिन जितनी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं वो अगस्त 29 को प्रेजेंट किए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। इस साल ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं ये प्रेजेंट किए गए थे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। इन ऑल 29 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो हैं उनको अवार्ड्स दिए गए थे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड एंड अर्जुना अवार्ड। जो सरदार सिंह हैं जो इंडियन हॉकी कैप्टन रह चुके हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सरदार सिंह ऐसे दूसरे प्लेयर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। इनसे पहले यह अवार्ड धनराज पिल्लई को दिया गया था, जो ऐसे पहले इंडियन हॉकी प्लेयर थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो सरदार सिंह ऐसे सेकंड हॉकी प्लेयर हैं, इंडियन हॉकी प्लेयर, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। बाकी जो अर्जुना अवार्ड है वो 17 और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को दिया गया था, जिनमें से एक थी इंडियन वुमन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। सो सरदार सिंह जो फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन हैं उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, और जो इंडियन वुमन क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर उनको अर्जुना अवार्ड प्रेजेंट किया गया बाय प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद। इन ऑल 29 स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ थी जिनको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंट किए गए। हमारी जो नेक्स्ट खबर है वो भी स्पोर्ट्स फील्ड के ही रिगार्डिंग है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया ने दो मेडल्स जीते। जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में हुई थी उसमें इंडिया ने दो मेडल्स जीते। एक मेडल था सिल्वर मेडल के रूप में जो पीवी सिंधु ने जीता है, और दूसरा मेडल था ब्रॉन्ज मेडल के रूप में जो साइना नेहवाल ने जीता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ दीज टू स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज इन्होंने जो दो मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं उसकी वजह से इंडिया का फिफ्थ स्पॉट इंडिया को अटेन हुआ है, फिफ्थ पोजीशन इन ऑल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स। और फर्स्ट स्पॉट पे जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप्स 2017 है उसके फर्स्ट स्पॉट पे चाइना है, और जो फिफ्थ स्पॉट है वो इंडिया ने जीता है विथ टू मेडल्स, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। ब्रॉन्ज जीता है साइना नेहवाल ने और सिल्वर जीता है पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट हमारा एक फैक्ट है, अगस्त में एक सर्वे किया गया था ऑर्गेनाइज बाय एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। उस सर्वे में जो जितनी भी इंडिया एलिफेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन है उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इंडिया में अ टोटल ऑफ 27,312 एशियन एलिफेंट्स हैं।
सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट्स हैं वो है कर्नाटका में, उसके बाद आते हैं असम एंड केरला. सो इंडिया में 27,312 एशियन एलिफेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय एशियन नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन. हमारी जो नेक्स्ट खबर है वो है ये कि इंडिया का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी जो नई द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका चार्ज लिया है डॉक्टर ममता सूरी ने. डॉक्टर ममता सूरी इससे पहले चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी और अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैं. जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो जो कंपनीज एंड बिजनेसमैन होते हैं उनके डिसोल्यूशन में हेल्प करता है. सो अगर कोई बैंक्रप्ट हो गई है कंपनी एंड इट कैन नॉट फंक्शन एनी मोर, सो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो उनके डेट्स जो होते हैं उनको रीपे करने में उनकी मदद करता है बाय स्टेप्स सच एज रीसेलिंग देयर एसेट्स, ताकि जो मनी जो मॉनेटरी गेन्स होते हैं उनसे उन कंपनीज के स्मॉल एंड यू नो बिग कंपनीज उनके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके डेट्स जो हैं उनको रीपे किया जाए. सो इस ये जो बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर ममता सूरी. वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स जो 2017 में हुई थी टोरंटो कनाडा में, उसमें इंडियन कंटिंजेंट ने 37 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं. जो जॉबी मैथ्यू हैं उन्होंने सबसे ज्यादा इंडियन कंटिंजेंट में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, जो हैं 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल. सो ये बहुत ही प्राउड खबर है कि वर्ल्ड ड्वार्फ गेम्स में जो टोरंटो में हुई थी इन कनाडा, उसमें इंडियन कंटिंजेंट ने 37 मेडल्स जीते हैं. ये था हमारा एक रिकैप पार्ट 2 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑगस्ट के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में. इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, जो पार्ट 1 है अगस्त के करंट अफेयर्स का. और हम ऐसे और इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं जैसे जो ब्रिक्स समिट हुआ था एंड जो बाकी यू नो नॉलेजेबल वीडियोस होते हैं रिगार्डिंग अदर सेक्शंस ऑफ द SSC एंड बैंक एग्जाम्स, वो हम रोज अपलोड करते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि कोई भी ऐसा जो वीडियो हम रोज अपलोड करते हैं वो आप देखना ना भूलें. और जो नीचे जो बेल का आइकन है, जो नोटिफिकेशन आइकन है, उसको क्लिक कीजिए ताकि कोई भी आप ऐसा वीडियो मिस आउट ना करें. बाकी जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है फॉर SSC एंड बैंक एग्जाम्स, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.edu-drives.com, जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेन ड्राइव कोर्स में. जो सारा जो SSC एंड बैंक, IBPS एंड SBIPO जो हमारा बैंक एग्जाम होता है उसका सारा सिलेबस कवर करते हैं. और हमारी वेबसाइट पे हम ब्लॉग्स भी अपलोड करते हैं रिगार्डिंग प्रेपरेशन टिप्स फॉर SSC एंड बैंक एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करने चाहिए और कैसे प्रिपेयर किया जाए, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज. जो इनके जितने भी हम ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं उनको आप हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं. सो ये था आज का हमारा वीडियो. अगले वीडियो के साथ हम कल वापस आएंगे. सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि आप कोई भी वीडियो ना मिस आउट करें. एंड जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कीजिए कि आपको अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर चाहिए, ताकि हम आपकी क्वेरीज और जितने भी डाउट्स हैं उनको भी क्लैरिफाई कर सकें. थैंक यू.